क्या क्या सीखा अभी तक आपने लेट्स डू अ रिकैप यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्ल्ड प्रेस लर्न हाउ टू एक्सेस दर्ड प्रेस डैशबोर्ड साथ ही साथ आपने देखा कि टूल बार क्या होता है यह सब तो छोड़े आपने एडवांस लेवल चीजें कर लिया अभी तक आपको पता होना चाहिए पोस्ट और पेजेस क्या है आपको यह भी पता होना चाहिए कि पोस्ट और पेजेस में फर्क क्या है साथ ही साथ यू वुड नो के मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है मीडिया लाइब्रेरी कैसे एग्जिस्ट करती है उसकी क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं और इसके साथ यू हैव एक्सप्लोर्ड अदर फंक्शंस लाइक एडिंग अ थीम सीइंग एन अपीरियंस यू हैव डन ऑल वट नीडेड टू बी डन एंड दिस इज वट विल क्रिएट योर पाथ टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल वर्डप्रेस प्रेस अ सक्सेसफुल वर्ल्ड प्रेस फ्रीलांसर एंड अ सक्सेसफुल वर्ल्ड प्रेस स्मार्ट वर्कर ये तीन चीजें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं क्योंकि इन्हीं चीजों ने बाकी लोगों को भी कामयाब किया और बाकी लोगों की भी जिंदगी बदली यू वुड नॉट बिलीव अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं दैट आई नो ऑफ समन जो के चाय बेचता था और उसने डिजिटल स्किल सीखी और आज वो पर मंथ लाखों रुपए बना रहा है उसकी जिंदगी तो बदल गई बट क्या आपकी जिंदगी बदलेगी विल यू बी एबल टू चेंज योर लाइफ इज द बिगर क्वेश्चन हियर आई थिंक द आंसर टू दैट इज यस बट ओनली इफ यू पुट इन हार्ड वर्क ओनली इफ यू हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड अब बात करते हैं एक और सेक्शन के बारे में जिसका नाम है टूल्स टूल्स क्या होते हैं कभी आपने ये लफ्ज सुना टूल्स टूल्स अलाउस टू मेक चेंजेस टू बिल्ड समथिंग सो जिस तरह आपके घर में एक टूल बॉक्स होगा जिसमें एक हथौड़ी होगी जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर होगा इस तरह के और टूल्स होंगे उस टूल बॉक्स में इसी तरह आप वर्डप्रेस में भी एक टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टूल्स द टूल्स मेन्यू प्रोवाइड्स सम हैंडी एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स ये बहुत जरूरी टूल्स हैं इन टूल्स की वजह से यू कैन एड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट और यू आर एबल टू डू थिंग्स जो आप वैसे नहीं कर सकते प्लग इन्स को यूज करके भी आप टूल्स को एनहेंस कर सकते हैं इनफैक्ट देर आर सम प्लग इन्स जिनको अगर आप यूज़ करें तो वो आपके टूल्स वाले सेक्शन में यूज हो जाएंगे और नज़र आ जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम दो दे आर यूज बेन सेटिंग अप और कन्फिगरिंग योर वर्ड प्रेस साइट सो मोस्टली आप टूल्स का यूज कब करेंगे जब आप अपनी वर्ड प्रेस साइट इंस्टॉल कर रहे हो इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक कॉन्टेंट इंस्टॉल करना चाहें डेमो कॉन्टेंट दैट्स वेयर यूल बी यूजिंग अलॉड ऑफ द टूल्स एंड वी विल टेक यू लाइव और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है अभी जब आप वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे या टूल्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक टूल नज़र आ रहा होगा कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर करता क्या है कि वो कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता है इससे पहले एक और टूल भी अवेलेबल था वर्ड का बाय डिफॉल्ट जिसका नाम था प्रेस दिस बट अब इट हैज बीन डेप्रिकेटेड इट्स अवेलेबल प्लगइन बट यह टूल आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रेस में नहीं अवेलेबल सो so, एक और टूल जिसकी हम बात करेंगे वो है इम्पोर्ट द इम्पोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स यू विद वेरियस टूल्स फॉर इंपोर्टिंग कॉन्टेंट फ्रॉम अदर ब्लॉगिंग सिस्टम्स लेट्स से आपको ऑलरेडी ब्लॉग किसी और साइट पे एग्जिस्ट करता है लाइक टम्बलर मूवेबल लाइफ जर्नल ब्लॉगर टाइप पैड तो आप उन साइट से अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बड़ी ही आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हैं बट वाई वुड वॉन्ट आप ये क्यों चाहेंगे कि आप उन साइट से कंटेंट अपनी साइट पे लेके आए वो इसलिए Because WordPress gives you flexibility. WordPress is free, WordPress is powerful, and WordPress is the most used content management system in the world, and you are going to be a part of this ecosystem. You can also import from blog roles they use the OPML format or from an RSS feed. RSS feed kya hoti? Tha. Pehle RSS feed is really simple syndication feed. इट्स अ वे टू कम्युनिकेट कॉन्टेंट पहले बहुत यूज होता था अब नहीं यूज होता सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट टू इम्पोर्ट कॉन्टेंट फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ साइट अदर देन वर्ड प्रेस यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू इंस्टॉल द रेलिवेंट इम्पोर्टेड प्लग इन मैं आपको ट्राई भी कराऊंगा साथ ही साथ एक्सपोर्ट के बारे में जान ले थोड़ा एक्सपोर्ट ऑप्शन इज यूज टू एक्सपोर्ट एक्ज डाटा फ्रॉम योर वर्ड प्रेस साइट अगर आप अपने कॉन्टेंट को एक्सपोर्ट करके रखना चाह रहे हैं तो आप वर्ड प्रेस पर कर सकते हैं

विच आई वॉन्ट यू टू ट्राई सो जैसे कि हमने यूज़र्स एड किए हमारे पास अब एडमिन बबलू और सलमा के नाम से तीन यूज़र्स हैंज़ यू कैन सी वी हैव वेरी डाइवर्स वेबसाइट बट हम ऐड करना चाह रहे हैं कुछ नए टूल्स तो जाके इन टूल्स को हम एक्सप्लोर करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था यू हैव अटगरीज एंड टैग्स टू कैटगरीज कन्वर्टर तो हम इसको देखते हैं क्लिक करके कि हमें क्या कहता है इट विल बेसिकली आस्कस टू इंस्टॉल दिस तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है अगर मैं अपना um, ब्लॉग कहीं और से इंपोर्ट करना चाहूं वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूं सो so, मैंने इंस्टॉल कर लिया सेइंग के कैटेगरीज टू टैग एंड टैग टू कैटेगरीज कन्वर्टर को आप इंपोर्ट क्लिक करें तो मैं रन इंपोर्टर का बटन दबाऊंगा एंड यहां से आई विल बी एबल टू रन दिस प्लग इन

कि ये कैटेगरीज टैग्स में कन्वर्ट हो गई हैं अब मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करूंगा एंड नाउ आई हैव सिटी कैपिटल फुटबॉल इस्लामाबाद इस्लामाबाद ये सारी मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दूंगा सो दिस इज वट यू कैन डू विद द टूल्स ऑप्शन एक्सपोर्ट के लिए आई गो टू एक्सपोर्ट मैं अपना सारा कॉन्टेंट आई वॉन्ट टू डाउनलोड एज एन एक्सपोर्ट फाइल आई क्लिक ऑन डाउनलोड ये बड़ी पावरफुल फीचर है बिकॉज इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी साइट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप अपनी साइट को किसी और साइट से कनेक्ट भी कर सकते हैं आप इस टूल को यूज़ करते हुए और चीज़ें कर सकते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है डेमो कॉन्टेंट एंड वी विल सी कि ये प्लगइन कैसे हमें ज़्यादा एक अच्छी फंक्शनैलिटी दे सकता है सो विल क्लिक ऑन वन क्लिक डेमो इंपोर्ट इंस्टॉल एंड इंस्टॉल हो गया मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ये प्लगइन करता क्या है इट इंस्टॉल्स डमी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट सो प्लगइन एक्टिवेट हो गया है आई विल लुक फॉर द प्लगइन। आई विल गो टू सेटिंग्स में देखूंगा वहां पर है कि नहीं है मैं टूल्स में देखूंगा टूल्स में इम्पोर्ट में देखूंगा So, यहां पे रन इंपोर्टेड की ऑप्शन दे रहा है आई क्लिक ऑन दिस आई कैन नाउ इंपोर्ट डेटा यूजिंग दिस प्लग इन टू इंस्टॉल इट ऑन माई वेबसाइट सो ये एक टूल्स uh, का फायदा है कि आप किसी भी तरह का प्लग इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंस्टॉल कर सकते हैं इट्स वेरी गुड यूज इट योर वेबसाइट ताकि आप अपनी वेबसाइट को यूज करते हुए एंटरप्रेन्योर बन सकें एक फ्रीलांसर बन सकें और एक स्मार्ट वर्कर बन सकें